भारतीय फुटबॉल की जब भी चर्चा होती है सबसे पहले जहन में जो नाम आता है वो है सुनील छेत्री। लेकिन उनके चाहने वालों के लिए मायूस करने वाली ये खबर है, अब आप अपने चहेते फुटबॉलर को खेल के मैदान पर गोल दागते नहीं देख पाएंगे। जी हाँ, दुनिया के नंबर 3 स्कोरर सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया है। 6 जून को कुवैत के खिलाफ वो अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलेंगे। ये फीफा विश्व कप का क्वालिफाइंग मैच है। इस दिन 39 वर्षीय खिलाड़ी अपने 2 दशक के शानदार फुटबॉल करियर को अलविदा कह देंगे। पिछले कई सालों से वो भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तानी कर रहे हैं। सुनील छेत्री ने 12 जून 2005 को पाकिस्तान के खिलाफ अपने इंटरनेशनल फुटबॉल करियर का आगाज किया था। सुनील छेत्री ने अपने इंटरनेशनल फुटबॉल करियर का पहला गोल भी पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू मैच में ही किया था। छेत्री ने भारत की ओर से खेलते हुए 94 गोल दागे हैं। वो गोल स्कोरर की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद तीसरे स्थान पर हैं। सुनील छेत्री ने अपना 150वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ गुवाहाटी में खेला था। हालांकि भारत को इस मैच में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। सुनील छेत्री ने गुरुवार 16 मई की सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर अपने संन्यास की घोषणा कर दी, जिससे उनके फैंस को तगड़ा झटका लगा है। हालांकि इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने के बाद भी सुनील छेत्री अपने क्लब बेंगलुरु FC के लिए खेलते रहेंगे। सुनील छेत्री को साल 2011 में अर्जुन अवार्ड और साल 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। 2021 में उन्हें खेल रत्न पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा सुनील छेत्री ने करियर में 7 बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम किया है। आपको फुटबॉल के मैदान पर सुनील छेत्री का खेल कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।